एक्सिलेरेशन जी वाई एन रेस्ट में था और एक्सिलरेशन है जी वाई एन आफ्टर कैपिटल टाइम टी एक स्टोन गिराया जाता है बैलून से पूछा है कि अगर स्टोन को कैपिटल टी टाइम लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में तो वैल्यू ऑफ एन क्या होने वाली है लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड सी व्हाट इज द कंसेप्ट इज गोइंग टू यूज अगर हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा Mission में हो ये रहा होगा कि हमारे पास एक वैलून होगा सपोज ये हमारा कोई वैलून है जो कि शुरुआत में ग्राउंड में रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है बट ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ 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 द द द इज 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 गिवन दिस नेट ऊपर जाता है और वैलून ऊपर जाता है किसी टाइम टी तक जब टाइम टी होता है तो वैलून हमारा कुछ ना कुछ हाइट अटेन कर लेता है अगर हम बोलूँ एट कैपिटल टी वैलून के द्वारा अटेन की गई अगर हाइट की हम बात करें तो डेट इज द कैपिटल एच अगर वैलून ने कैपिटल एच हाइट अटेन कर ली है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वैलून से एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है सपोज दिस इज द स्टोन तो अगर मैं बोला कि यार किसी टाइम कैपिटल टी पे अगर मैं एट टाइम कैपिटल टी की बात करूंगा तो वैलून की वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में उसको मैंने वी लिख दिया और बैलून की वेलोसिटी जो होगी वही वेलोसिटी हमारे स्टोन की भी होगी और स्टोन की वेलोसिटी इनिशियली भी अपवर्ड होगी यही यहाँ पे कंसेप्ट है कि जब भी किसी मूविंग फ्रेम से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी वही होती है जो मूविंग फ्रेम की होती है और इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए कि यार अगर हम बैलून के लिए एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है जो कि जी वाइन है अगर एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है और हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें डेट v इक्वल टू यू प्लस ए तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी बैलून की जीरो है अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डाउनवर्ड को नेगेटिव तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एक्सेलरेशन कितना है जी बाई एन और यहाँ से टाइम कितना लग रहा है एट टाइम कैपिटल टी तो अगर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ एट टी इक्वल टू कैपिटल टी के लिए तो यहाँ से टाइम के बाद बैलून की हमारी वेलोसिटी पता चल गई इक्वेशन नंबर होगा तो अगर हाफ ए टी स्क्वायर तो सेकेंड इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव एच एट यूटी की वैल्यू की, की बात करें तो इनिशियली रेस्ट में है तो यू जीरो और डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है नहीं अपवर्ड एक्सीलरेशन है तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे डेट इज द जी अपान एन और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे डेट इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एच इज द इक्वेशन नंबर टू अब हम बात करते हैं कि सब कुछ ठीक था वैलून मेरा एच हाइट अटेन कर चुका था उसी टाइम पे वैलून से एक पार्टिकल एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है तो हमने बोला यार कि कंसेप्ट ये होता है कि जब भी किसी मूविंग फ्रेम से कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी के इक्वल होती है इट मींस एट द पॉइंट ऑफ रिलीज एट द पॉइंट ऑफ रिलीज अगर हम बात करें तो एट द पॉइंट ऑफ रिलीज क्या होगा वेलोसिटी ऑफ स्टोन ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की वेलोसिटी ऑफ स्टोन दैट मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बैलून यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है और इसी कंसेप्ट को यूज करके हम इस फॉलोइंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या वैलून न लिख के अगर हम कभी भी इन जनरल अगर इस बात को लिखें तो यार ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम कोई भी फ्रेम हो चाहे वो हॉट वैलून हो चाहे वो लिफ्ट हो जहाँ से भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाएगा उसकी वेलोसिटी उसके इक्वल होगी ओके गाइज तो अगर हम यहाँ से देखें तो यार एट टाइम कैपिटल टी अगर हम बात करेंगे कि यार वेलून की जो स्टोन डिलीज किया गया है तो स्टोन की क्या वेलोसिटी होगी तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी होगी जो वेलोसिटी वैलून की थी डेट इज जी वाई एन इंटू कैपिटल टी जो कि इक्वेशन नंबर वन से हम देख पा रहे हैं तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन जी वाई एन कैपिटल टी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन वेलोसिटी ऑफ स्टोन अगर ये वेलोसिटी ऑफ स्टोन है अब मैं इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ कि अब ये प्रॉब्लम मेरा कुछ ऐसा हो गया कि ये स्टोन है स्टोन की अपवर्ड वेलोसिटी है जी वाई एन इंटू कैपिटल टी अब बैलून पे नहीं अब हम स्टोन की बात कर रहे हैं और स्टोन पे कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट करेगा दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी तो स्टोन पे एक्सेलरेशन होगा जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की बन चुकी है इसका मतलब एक्सलरेशन है डाउनवर्ड वेलोसिटी है अपवर्ड तो मेरी बॉडी मेरा पार्टिकल पलटी मारेगा आफ्टर सम हाइट जाने के बाद वो फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और फिर से ग्राउंड से टकराएगा तो इस पूरे प्रोसेस में उसको फिर से टाइम कितना लगता है कैपिटल टी इक्वल टू कैपिटल टी टाइम के बाद वो ग्राउंड से टकराता है तो अगर हम स्टोन के लिए अप्लाई करें अगर मैं इस पॉइंट को अगर सपोज करूँ ए बोल दिया और इस पॉइंट को बी बोल दिया तो ऐसे भी में अगर मैं मोशन की इक्वेशन को लिखता हूँ तो मोशन के सेकेंड इक्वेटन जेट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो यश की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यार यस की वैल्यू अगर मैं इस फिर से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ तो इस केस में मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है अगर मैं बात करता हूँ कि यार यश की वैल्यू कितनी लिखेंगे यार डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और फाइनली स्टोन नीचे आएगा तो ये तो हाइट ऑफ द वैल्यूम के इक्वल होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं दैट इज द माइनस एच यू की वैल्यू कितनी लेंगे डेट इज द जी बाई एन इंटू कैपिटल टी और टाइम टी की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल टी के इक्वल डेट इज हाफ एक्सलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है तो माइनस जी को माइनस पहले लिख दिया और टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर की जगह कैपिटल टी स्क्वायर और अगर मैं एच की बात करूं तो यार एच यच क्या था मेरा तो यच मेरा था वैल्यू ने कितनी हाइट अटेन की थी एट टाइम कैपिटल टी इक्वेशन टू से तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है डेट इज हाफ जी बाई एन और यहाँ से रिजल्ट आने वाला है डेट इज द टी स्क्वायर इक्वल टू दैट इज द जी टी स्क्वायर अपान एन माइनस जी टी स्क्वायर टू यहाँ से सिंपली ये रिजल्ट आ रहा है हम देख रहे हैं जी टी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहा है और जैसे ही हमने जी टी स्क्वायर को कैंसिल आउट किया तो यहाँ से रिजल्ट क्या आने लगा माइनस हाफ वन बाई टू एन डेट इज द माइनस वन बाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई टू और इसको सिंपलीफाई अगर हम करें तो डेट इज द थ्री बाई टू वन इक्वल टू हाफ और यहाँ से एन की वैल्यू आने वाली है थ्री तो यहाँ से की वैल्यू आई जो जो हमारे पास अननोन डाटा था और क्वेश्चन में पूछा गया था तो कंसेप्ट क्या है और फिर सिंपली हम इसको मोशन अंडर ग्रेविटी के तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व क्लास से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ पर